गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त साहू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखें दोस्तों, 947 जो नंबर है, ये थाईलैंड की हिस्ट्री में 3 बार इस पोजीशन में, 947 की पोजीशन में ओपन हुआ है। फर्स्ट टाइम ये 1997 में, देख लें दोस्तों, 947 ओपन हुआ। उसके बाद दोस्तों ये बहुत टाइम तक नहीं आया, ओपन नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों ये 2007 में, ये देखें यहाँ पे सेकंड लास्ट ड्रा में 947 ओपन हुआ। उसके बाद दोस्तों थर्ड टाइम जो है, ये थर्ड टाइम 2016 में ये 947 नंबर आया। तो देखें दोस्तों, इससे अभी क्या बन सकता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखें, मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, इसका पहले तो जहाँ से ये सिस्टम, ये 947 से एक 6H में आया, तो नंबर खुला 947। दूसरी बार फिर जब 6H में आया, तो ये नंबर तभी खुला 947 नेक्स्ट ईयर में। थर्ड बार भी देखे दोस्तों, उसने वही सिस्टम खेला कि जब ये 6H में आया तो नेक्स्ट ड्रा में, सॉरी हमें टोटल लिखना भूल गया, मैं लिख लेता हूँ। अच्छा जी, ये टोटल है दोस्तों 9 का, ये 0 का और ये 7 का। अच्छा दोस्तों, तो जब ये 6 ओपन आया, फिर ये 947 नंबर। तो देख लेते हैं दोस्तों इससे आगे क्या वो सिस्टम खेल रहा है दोस्तों। तो जब ये तीनों, ये 947 आया, तो ये इन 6 ड्रास में एक सिस्टम से ये दोनों, उसने ये सिस्टम ये बनाया है, तो तीसरा भी होना चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको वो कैसे। देखिए ये टोटल दोस्तों 0 का है, ये टोटल 0 का ये वाला, उसके नेक्स्ट में टोटल है 4 का, तो हम इसको लिखते हैं। फिर ये जहाँ पे आज हमारा नंबर खुलना है, उस पोजीशन पे है टोटल 3 का। तो दोस्तों देखें ये क्या बना तीनों टोटलों का, 7। कौन सा 7 दोस्तों? ये 7, ठीक है, ये 3, 4 और 0, क्या बना 7। ये जो टोटल ऊपर था, वो इन तीन टोटलों का टोटल भी 7 ही बना। जब ये टोटल 7 का ऊपर खुला, तो इसके नीचे जो तीन टोटल थे, वो 3 लग के यहाँ पे 0, 4, 3 के साथ ये 7 बना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अभी नेक्स्ट, ये 2002 में, सॉरी 2003 में जब ये ओपन हुआ, तो देखिए वही सेम सिस्टम दोस्तों। एच उसने 6 का लिया, तो 947 ओपन हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये 6, ये 5 और ये 1, हम लिख लेते हैं 6 प्लस 5 प्लस 1, तो ये दोस्तों 2। कौन सा 2? ये वाला 2। ये 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट क्या आया? 2। ठीक है दोस्तों, 6, 5 और 1। ठीक है दोस्तों, तो अब थर्ड में दोस्तों क्या आना चाहिए, देखें दोस्तों। फिर वही मेरा 8 का टोटल, ये टोटल मुझे को 5-6 जगह से चार्ट में मिला है, 8 का ही टोटल बन रहा है। बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो नया शॉर्ट बनता है उसमें 8 का टोटल आ रहा है। अभी पता नहीं आना है या नहीं आना है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल रहा है हर तरफ से दोस्तों। तो ये देख लें, ये 4 प्लस 5 प्लस 8, 4 प्लस 5 प्लस 8 क्या बना दोस्तों? 7। कौन सा 7? ये 7। ये तीनों टोटल का भी 7 बना। उसके बाद दोस्तों इसी में से एक और सिस्टम है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एच डिजिट कौन सा है? जब ये टोटल दोस्तों 3 का लग के 0, 4, 3 से 7 बना, ये ऊपर वाला 7, यहाँ 3 टोटल में 7 बना। तो दोस्तों ये
इसका एच किया था 1 और इसका एच किया था 2, तो ये दोनों को दोस्तों 1 प्लस 2 किया तो क्या बना, यही टोटल किया 3 का, तो ये 3 यहाँ पे एच टू एच में टूट गया, यानी इन दोनों एच का टोटल भी 3 बना जब ये टोटल 3 का लगा, जब ये 7 इन 3 टोटलों का 7 बना, तो उसके बाद ये एच टू एच 1 प्लस 2 भी 3 बन गया। नेक्स्ट ड्रॉ में देखते हैं दोस्तों क्या हुआ, तो नेक्स्ट ड्रॉ में दोस्तों सेम हुआ, यहाँ जब ये 6 5 1 का टोटल यहाँ पे लगा तो ये बना 2, कौन से वाला 2, ये 2, जैसे ये 7 था तो ये दोस्तों 2 था। उसके बाद देखें दोस्तों ये 3 प्लस 1 क्या बना, ये भी 1 बना, क्योंकि ये टोटल हमारा 1 का था तो ये भी 1 बना। ठीक है दोस्तों, अच्छा उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इससे नीचे वाले नंबर पे, इससे नीचे देखें दोस्तों जो भी रिसेंटली हमारा ड्रा है इसके लिए क्या है। देखें दोस्तों यहाँ पे अगर ये सेम सिस्टम 7, यहाँ पे ये 3 टोटल का 7 बनता है, तो फिर इस हिसाब से हमारा एच डिजिट दोस्तों बन रहा है 4, क्यों कि ये 4 और ये 4, जब 4 प्लस 4 होगा तो क्या बनेगा, 8 बनना चाहिए 8। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से तो ये है। तो अभी दोस्तों मैं कितनी जगह से आपको डिजिट दिखाऊं, 4 3 8 में से 8 का अगर टोटल आता है तो 4 3 का पेयर, तो अभी दोस्तों मैं तो आपको 4 5 जगह से दिखा चुका हूँ कि वही तकरीबन डिजिट भी वही आ रहे हैं, 3 4 8 2 में से पेयर आना चाहिए, और टोटल 8 का हर जगह से यही बन रहा है दोस्तों। अभी ये देख लें, ये डिफरेंट क्लू है अभी जो आज मैंने जो आपके साथ शेयर किया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक तो नॉन मिस दोस्तों ये चल रहा है, आगे देखते हैं क्या बनता है। तो ये देख लें एक बार, अगर किसी को नहीं समझ लगी, जब ये 0 4 और 3 के साथ 7 बना, ये वाला 7 जो ऊपर टोटल 7 का था, तो फिर ये 3 टोटल का भी 7 ही बना। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके जब ये 3 का टोटल लगा तो ये 1 और 2 H2H भी 3 हो गए। उसके बाद दोस्तों देखें जब ये सेम 2 का टोटल था तो यहाँ 6 5 1 के साथ 2 बना, तो ये टोटल लगा 1 का, तो ये 3 प्लस 8 11 मीन्स 1, तो ये एच टू एच भी 1 बना। अभी देखें दोस्तों अगर ये 7 लगा है टोटल, तो ये 4 5 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ का 8 का टोटल आता है, तो फिर एच भी 4 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर एच 4 है तो 4 प्लस 4 से 8 बने। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अच्छा दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।